हेलो दोस्तों, नमस्कार, सबको स्वागत है फिर हमारे छोटी सी वीडियो में। और आज का वीडियो में जैसे कि आप सब थंबनेल में देखा है, आज हम कच्चा कच्चा पत्ता हम खाएंगे, जो कि मेरे माता पिता के टाइम पे, मेरे मम्मी पापा उनके टाइम पे जो कि उतना काम नहीं मिलता था, उतना मजदूर नहीं मिलता था, तो वो जंगल जा करके जो जो वो अभ्यास किए हैं, खाते थे कच्चा कच्चा पत्ता, वो ला के खाते थे और उससे ही चल जाते था घर नामा। और ऐसे ही हम भी खाएंगे आज। और मेरे मम्मी पापा जो जो खाते थे, सब कोई खाते थे, अभी तो बूढ़ा बूढ़ी होके कुछ लोग तो गुजर गए हैं और कुछ कुछ हैं, तो वो सब ऐसे ही खाते थे। और हम भी अभ्यास किए हैं कुछ कुछ पत्ता, और दो प्रकार का पत्ता हम लेंगे और खाएंगे, जो कि मेरे मम्मी पापा वो खाते थे पहले और अभी भी खाते हैं, और उसी से ही गुजारा होता था। और एक मैं इम्पोर्टेंट बात मैं आपको मैं बताऊंगा कि बहुत दुख की बात भी है और खुशी की बात भी है, वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। और पहले ये वाला वीडियो देखिए, बहुत ही आज का वीडियो जो है ना, बहुत ही मजा आने वाला है। कच्चा कच्चा पत्ता खाऊंगा मैं, और मेरे पत्नी तो नहीं खाएगा, मैं ही खाऊंगा। और मैं जो जो पत्ता खाऊंगा वो मेरे मम्मी पापा भी पहले खाते थे और अभी भी खाते हैं। तो दोस्तों, अभी वो पत्ता को लाने के लिए जा रहे हैं, जो कि हमारे बगीचे में ही है। और एक बात मैं आपको और एक बार मैं बता देता हूं, जो कि वीडियो की लास्ट में बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा दुख की खबर भी है और थोड़ा थोड़ा खुशी खबर भी है। कुछ लोगों के लिए दुख खबर है और कुछ लोगों के लिए खुशी खबर है, और उतना भी दुख खबर नहीं है कि उतना भी खुशी खबर नहीं है, तो ऐसा वाला बात है। मैं आपको वीडियो में लास्ट में बताऊंगा, आप देखते रहिए। तो अभी हम पत्ता लेने के लिए जा रहे हैं। और ये जो देखिए, ये जो कि हमारे बगीचे में दो पेड़ है, छोटा छोटा पेड़, मैं आपको पिछले वाला वीडियो में भी मैं आपको बताया था। और ये वाला पेड़ जो कि मेरा भाग्य था, जो कि मेरा किस्मत था, जो कि यहाँ पे उगा है दो ठो, नहीं तो ये मुश्किल में मिलता है, पूरा जंगल में बहुत ढूंढने के बाद मिलता है ये वाला पत्ता। और इसका पत्ता हम लेंगे, इसका पत्ता पहले खाते थे मेरे मामी पापा मैदिन। और मोनिशा को भी मैं खाने के लिए सिखाऊंगा, जो कि मेरे मम्मी पापा खाते थे। अगर कुछ खाने के लिए अगर घर पे नहीं था तो ये खा खा के रहते थे मेरे मम्मी पापा ये पत्ता। और ये थोड़ा थोड़ा खट्टा लगता है, अगर आप ये 60-70 पत्ता अगर लेके लेकर के अगर खा लिया आपने, तो आपका पेट भर जाएगा। और 8 घंटे कुछ नहीं खाओगे तो भी आपको भूख नहीं लगेगा। और एक पत्ता लेंगे वहां पे है, जो कि हमारे अपनी भाषा में हम कोटले पत्ता बोलते हैं। कहीं पत्ता मोनिशा, कहीं पत्ता, निदान है चिकन। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये नींबू का पेड़ भी उस दिन जो कि हम फूल का पेड़ लाने के लिए गए थे, वीडियो भी बनाए हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में जा करके। और ये नींबू का पेड़ भी हम खरीद के लाए हैं, और कितना छोटा छोटा में ही नींबू उसका फल आया है देखिए।
दो कुल्लू गिल्ली कुल्लू। बाजार के जो ना खाई की ना बेटा चल से चालू का चिमांग नहीं चालू का। तो दोस्तों अभी हम खाने के लिए स्टार्ट करते हैं और मोनिशा भी मैं भी पापा आपके साथ खाऊंगा ऐसा बोला और मुझे तो खुशी हो रहा है। और ये जो कच्चा कच्चा पत्ता है इसमें बहुत विटामिन भी होता है आप सब जानते हैं, अगर अभ्यास करेंगे अगर पचा पाएंगे तो खाना चाहिए, खाना जरूरी है। और इसमें नमक है और ये हरी मिर्च है। मोनिशा तू इसको खा। दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है और ऐसे ही मेरे मम्मी पापा पहले खाते थे, जो कि हमारे जंगल के आदिवासी लोग पहले रहते थे तो इसी तरह ही खाते थे। और घर में चावल नहीं होगा तभी चलेगा ये वाला पत्ता, अगर 60-70 पत्ता खा लोगे तो पेट भर जाएगा।
दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मैं तो अभी खाना भी नहीं खाऊंगा, इससे ही पेट भर गया। नदुलम और दोस्तों वो खबर जो मैं आपको बताना चाहता था, वो खबर ये है कि जो कि एक तोता को हमने पाल रखे थे, आप सब जानते हैं और देखे भी हैं कई सारे वीडियो में, और वो जो मीटू है, जो कि मीटू मैंने रखा था उसका नाम, और वो जो तोता है वो उड़ के चला गया, पिंजरा से बाहर किया था हमने। अपने आप सपने ही कमेंट किया था कि उसको पिंजरे में मात रखो, उसको आज़ाद करो, वो बाहर अपने आप वो घूमेगा और खाएगा, और आप उसको खाना दो। और हम ऐसा ही रखे थे, एक सप्ताह दो सप्ताह हो गया, लेकिन आज सुबह सुबह वो पिंजरे से बाहर निकाल करके वो उड़ गया और चला गया। और क्यों चला गया मैं आपको अभी मैं बताता हूँ। जो कि फ्री में जो उड़ते हैं वो तोता, वो आ गए, और हाँ जंगल जंगल का तोता आ गए, और हमारे पेड़ के, हमारे जो अगल बगल में जो छोटा छोटा पेड़ है उसमें वो बैठ के वो पुकारने लगे, तो ये उड़ के चला गया। और एक बार चला गया तो और नहीं आया, हम बहुत ढूंढे खोजे और उसको पुकारे भी, आ जाओ घर आ जाओ, लेकिन वो नहीं आया। और देखते हैं शाम तक आता है कि नहीं, अगर नहीं आता है तो भी चलेगा, क्योंकि वो आज़ाद हो गया और उनका उसका जीवन साथी उसको मिल गया, इसलिए वो चला गया। और उतना दुख की बात भी नहीं है कि उतना खुश की बात भी नहीं है, वो अपनी जिंदगी वो खुले आजाद में वो अभी घूमेगा, तो ठीक है। दोस्तों उधर जो कि हमारे, जो कि हम पाल के रखे हैं मुर्गी, आप सब जानते हैं, और उधर एक जो कि जंगली बिल्ली आया है, शायद वो छोटा छोटा मुर्गी को लेने के लिए, और ऊपर से भी बाज आता है, तो मैं अभी जा करके मैं उसको चेक करता हूँ। सब मुर्गी खत्म कर देगा, जा करके चेक करना है। वो जो दोस्तों ऊपर से जो बाज आता है ना, वो छोटा छोटा मुर्गी को पकड़ के लेके चला जाता है, और नीचे से भी दोस्तों उधर आया था। वो मेरे ही मुर्गी हैं जो कि मैंने पाल के रखे थे, छोटा छोटा बच्चे को शायद लेके चला गया होगा। ये तो मेरा मुर्गी है, उसका बच्चा कहाँ कहाँ गए, इधर ही चराता था।
वो नीचे से भी वो जंगली बिल्ली आता है और खा जाता है। ये सब कुछ अगर साफ कर दिया तो अच्छा होगा। और बाज भी आता है इस पेड़ में भी होगा। दोस्तों ऐसे करके जो कि मैं पाल के रखा था मुर्गी, सब कुछ ऊपर से भी बाज लेके आता है और लेके चला जाता है और खा जाता है, और नीचे से भी जंगली बिल्ली आता है और खा जाता है। और मेरा जो मुर्गी था जो कि मैं पाल के रखा था 20-25 तो थे, अभी ऐसे ही जंगली बिल्ली और ऊपर से बाज आता है और खा जाता है, ऐसे ऐसे करके अभी 10-15 तो ही बच्चे हैं। अभी देखते हैं वो जिंदा रह पाते हैं कि खा जाता है, देखते हैं। और वहाँ पे जो है ना, ये भी मेरा मुर्गा है, सॉरी ये भी मेरा मुर्गी है, उसका भी बच्चे हैं, अभी 5 बच्चे हैं, आप देख सकते हैं 5 बच्चे हैं। और बहुत ज़्यादा थे, 9 बच्चे थे, ऐसे ही गुम हो गए, बाज लेके चला गया और खा गया। चील चील जो ऊपर से आता है ना, चील वो खा गया, और अभी इतना तो ही बच्चे हैं। दोस्तों इसका बच्चा को लेके चला गया, देखिए 3-5 है, इसका बच्चा जो है 2 और गुम हो गए, 7 थे बच्चा और अभी 5 ही है। देखते हैं बाहर शायद होगा। दोस्तों बाहर भी नहीं है, इसका ही बच्चा जो अभी जो मैं दौड़ के गया था उधर, इसका ही बच्चा लेके गया, वो चील ऊपर से आया, चील और बाज वो लेके चला गया और उधर ही फिर ले रहा है। इधर आ, इधर आ, बच्चे लोगों को इधर ला, ए चावल ला के दे, कच्चा वाला चावल, नहीं तो उधर फिर जाएंगे, उधर फिर वो चील बाज फिर आके वो उधर पेड़ के ऊपर होगा, वो लेके चला जाएगा फिर। देखो दोस्तों अभी वो ढूंढ रहा है और 2 बच्चे को उसने खो दिया। कहाँ कैसे रोक दिए तोर माँ पैसा देखी चू है गाड़ी घिनी दे थी लगाई तोर माँ कैसे रोकी चू चल तो दिखाबू से दिनों घिनी देला कहीं तोर माँ गाड़ी तोते टेम्पू गाड़ी घिनबू केनो आनी छे ये ऑटो कितना 15 है पैसा दे दे मनीषा चल इसी के लिए ही उसात हुआ था। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आप सबको कैसा लगा जरूर कमेंट करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और शेयर वो भी आपकी इच्छा के अनुसार कर लीजिए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।